अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, सब खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ जी। आज सुबह सुबह का टाइम है, बस बच्चों को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। वेदर तो ठीक है, शुक्र है बारिश नहीं हो रही, नहीं तो बारिश होती रहती है। देखें आज का मौसम अच्छा है, तो ज़्यादा सर्दी नहीं है वैसे, शुक्र है अल्लाह का। तो मैंने सोचा चलें आपसे जल्दी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और फिर ज़ाहिर है उसके बाद दिन बिजी हो जाता है, टाइम नहीं रहता। तो मैंने सोचा चलें जल्दी से थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और साथ साथ आपसे बात भी हो जाएगी। देखें कितना क्वाइट है, रोड भी कितने खाली पड़े हैं। सुबह सुबह यहाँ पे रश होता है, तो उसके बाद तो बहुत क्वाइट हो जाता है, बस सिर्फ चिड़ियों की परिंदों की आवाज़ें कुछ आ रही हैं और तो कुछ भी नहीं है, खाली रोड पड़े हैं। सुबह टाइम बहुत बिजी हो जाता है क्योंकि इतना रश होता है स्कूल के वक़्त यहाँ पे, तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती, ना पार्किंग मिलती है, इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके फिर बच्चों को छोड़ना पड़ता है। तो बस बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया, वॉक भी हो गई है, तो अब जाके घर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो है शॉपिंग वगैरह है, फिर वो करनी होती है। बस बच्चों के शाम को क्लब ये वो चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा चलें आपको वेदर दिखाते हैं, और यहाँ पे यूके की जो रोड हैं वो कितने खाली पड़े हैं बेचारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत रश बिजी, लेकिन वो वहाँ का अपना मज़ा है, बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान में, अपने हिसाब से बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा दिल कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए पाकिस्तान का चक्कर भी नहीं लगा, तो देखते हैं कब बनता है प्लान। बस बच्चों के साथ इतना बिज़ी होते हैं, छुट्टियों में देखेंगे प्लान बनाएंगे, नहीं तो कहाँ, क्योंकि छुट्टियों में वैसे भी टिकट जो है इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वैसे ही जाना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो इंशाल्लाह बच्चों को भी लेके जाएं तो उनको भी कुछ पता चले पाकिस्तान के बारे में, तो फिर ये है कि बच्चे भी ज़ाहिर है उनकी उर्दू भी सही होती है और उनको जो है पता चलता है अपने सबका, यहाँ पर तो वो यूज़ टू है, उनको पता है सारा। तो बस फिर जो है कि बच्चे जाते हैं, इंजॉय करते हैं फूड वहाँ का, चीज़ें वहाँ की, शॉपिंग ये वो, हम लोगों को तो यही होता है शॉपिंग करें, बस फिरें, घूमें, इंजॉय करें, रिश्तेदारों से मिलें, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो जी वॉक करते करते मैं आ गई हूँ शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग चाहिए थी घर के लिए, कुछ चीज़ें देखनी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, तो मैंने सोचा चलें आपको भी दिखाते हैं, होम डेकोरेट के लिए और वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे आ रहा है ईस्टर, तो ये ईस्टर की चीज़ें हैं, ये बाकी चीज़ें डेकोरेशंस। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये देखेंगे कितना प्यारा है स्टोर बैठने के लिए, बहुत ज़बरदस्त है, कलर कितना प्यारा है पिंक ना, ये सारा रोज़ गोल्ड और पिंक वाली चीज़ें हैं, इधर भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मुझे चाहिए थी साइड टेबल के लिए, तो मैं देख रही हूँ क्या लूँ। ये देखें कितने खूबसूरत, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त,
फूल ही फूल हैं, जैसे मर्जी डेकोरेट करें, बड़े ज़बरदस्त। देखें कितना अमेजिंग लग रहा है। बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे तो देख रहा है दिल कर रहा है कि सारे ही ले ले बंदा ना। बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे अच्छे पड़ेगा। ये देखेंगे कितना अच्छा लगेगा बंदा ले के रखे, बड़ा प्यारा। अब घर जा रही हूँ मैं, तो फिर आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, आपसे बात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।